नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज़ वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। यहाँ हम जानेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है और इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से होंगे। अगर हम इक्विटी मार्केट से शुरुआत करें तो हमने देखा दो हफ्ते की तेज़ी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, जहाँ सेंसेक्स करीबन 0.79% की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ देखा गया। वहीं हमने देखा कि निफ्टी के अंदर भी करीबन 0.25% की गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए। हालांकि टेक्निकल चार्ट पे ऐसा कोई ट्रेंड अभी तक नहीं देखने को मिला है जहां पर हम एक नेगेटिव ट्रेंड आते हुए देखें। हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और यहां पर अगेन हम एक बाउंस बैक आते हुए देखेंगे। जो यहां पर महत्वपूर्ण सपोर्ट अगर हम बात करें निफ्टी की, तो करीबन 17,900 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 18,880 का हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी में अगेन हम एक बाउंस बैक देखेंगे, तो लोअर लेवल पर खरीदारी की सलाह रहेगी। अब हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, बुलियन मार्केट की, तो यहाँ पर भी हमने तेजी आते हुए देखी। कंटिन्यूसली हम गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। गोल्ड के भाव हमने इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1,800 के लेवल को छूते हुए देखे, जो कि हमने लास्ट वीक टारगेट दिया था, वो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ देखने को मिला है। इस हफ्ते अगर हम बात करें तो गोल्ड के भाव करीबन 0.25% की तेजी के साथ 47,824 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए और हमने देखा कि 48,000 का लेवल गोल्ड ने टेस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है गोल्ड का, वो यहाँ पर पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते गोल्ड में जो टारगेट है करीबन 48,400 तक देखने को मिल सकता है और $1,830 का टारगेट हम इंटरनेशनल मार्केट में देख सकते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है गोल्ड में करीबन 47,400 का रहेगा, तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है, लोअर लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में हमने 66,000 तक के लेवल पिछले हफ्ते आते हुए देखे और सिल्वर के भाव करीबन हमने क्लोजिंग देखा कि करीबन 65,656 के स्तर पर सिल्वर के भाव बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में भी करीबन $24 से ऊपर के स्तर देखने को मिले, तो सिल्वर के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। US में डेटा ख़राब आने की वजह से डॉलर में वीकनेस देखने को मिली, जिसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा ट्रेंड आते हुए देखा। और दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो कोरोना वायरस के दोबारा से हमने चाइना में फैलता हुआ देखा, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट आते हुए देखा। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड के भाव ऊपर में करीबन 48,500 तक छू सकते हैं, $1,830 तक छू सकते हैं और सिल्वर के भावों में भी करीबन 67,000 तक के लेवल हम देख सकते हैं और ऊपर करीबन इंटरनेशनल मार्केट में $25 तक के लेवल यहां देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम अब बेस मेटल की बात करें तो जहां हम तेजी देख रहे थे, वहीं इस हफ्ते हमने हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग बेस मेटल में आते हुए देखी। कॉपर के भाव अगर बात करें तो कॉपर के भाव में करीबन ऑलमोस्ट 4% की गिरावट के साथ भाव करीबन 765 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के भाव करीबन 10% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 284 के लेवल पर बंद होते हुए देखे गए। लेड के अंदर भी हमने करीबन 1.76% की गिरावट देखी और लेड के भावों में करीबन 187 तक के लेवल देखने को मिले। सेम एल्युमिनियम और निकल के अंदर भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। जिस तरीके से यहाँ पर डिमांड कम देखने को मिली है और कहीं ना कहीं ग्लोबल अनसर्टिनिटी की वजह से यहाँ पर हमने डिमांड और साथ में एनर्जी क्राइसिस की वजह से यहाँ पर हमने एक लोअर लेवल पे खरीदारी लौटती हुई देखी थी, वहीं हमने हायर लेवल पर यहाँ एक बिकवाली का माहौल आते हुए देखा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि पिछला हफ्ता नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होता हुआ देखा गया। हालांकि यहाँ पर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि जो सप्लाईज़ हैं, जो इन्वेंट्री है बेस मेटल की, वो अभी भी काफ़ी लोअर है और जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी ट्रेंड जो है वो खरीदारी का रहेगा और हमारी सलाह है कि बेस मेटल में खरीदारी जो है लोअर लेवल पे की जा सकती है। कॉपर के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 745 का और रेजिस्टेंस करीबन 820 का रहेगा। जिंक के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 275 का रहेगा, रेजिस्टेंस 310 का रहेगा। लेड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 180 और रेजिस्टेंस करीबन 205 का रह सकता है। एल्युमिनियम में महत्वपूर्ण सपोर्ट 225 का और रेजिस्टेंस 260 का रहेगा। वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल में सपोर्ट 1500 और रेजिस्टेंस 1610 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि बेस मेटल में हम अगले हफ्ते एक अच्छा बाउंस बैक देख सकते हैं और लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड किया जा सकता है। वहीं अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो बेस मेटल में हमें लगता है कि यहाँ पे रिकवरी का ट्रेड रहेगा, तो हमारी सलाह है कि आप लोअर लेवल पे सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अगर अब हम क्रूड की बात करें या एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो एनर्जी क्राइसिस का असर हमने पूरे ही एनर्जी पैक पर देखा और इस हफ्ते भी हमने देखा कि एनर्जी पैक एक पॉजिटिव ट्रेडर में क्लोज होता हुआ देखा गया। क्रूड के भाव ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा की तेजी के साथ 6,283 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए और ब्रेंट का भाव $85 के ऊपर क्लोज होते हुए देखा गया। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 6120 का महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा और करीबन 6550 का एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस रहेगा। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर आने वाले हफ्ते में तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि हायर लेवल पर यहाँ पर हम बिकवाली भी देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओपेक मेंबर्स की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाने की बात देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से ऑयल रिग्स काउंट बढ़े हैं US के अंदर, तो सप्लाई जो है अगले हफ्ते बढ़ सकती है। मगर फिलहाल जो क्राइसिस है वो यहाँ पर अभी भी सस्टेन है और जिसकी वजह से हमें लगता है कि क्रूड के अंदर अगले हफ्ते खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भाव करीबन 6400 के स्तर को छू सकते हैं और $88 तक के लेवल ब्रांड में देखने को मिल सकता है।
अगर दोस्तों अगर हम अब हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर हमने एक अगेन एक तेज़ी बनते हुए देखी और नेचुरल गैस के भाव ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी के साथ करीबन 407-70 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमने तेज़ी देखने को मिली है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के भावों में अगले हफ्ते भी तेज़ी रहेगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 385 का और रेजिस्टेंस 445 का रहेगा। हमें लगता है नेचुरल गैस के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है और यहाँ पर टारगेट ऊपर में 440 से लेकर 445 तक हो सकता है। अब हम करेंसी सेगमेंट की बात करें तो जो हमने देखा था कि USD INR पिछले हफ्ते थोड़ा अप्रिशिएट होकर बंद हुआ, मीन्स थोड़ा डाउनसाइड आते हुए देखने को मिला। करीबन 0.61% की गिरावट हमने USD INR में देखी और करीबन ये 74.88 के स्तर पर बंद होता हुआ देखने को मिला। हालांकि रुपी हमें यहाँ पर अभी भी लगता है कि थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो सकता है। यहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 74.40 का रहेगा और रेजिस्टेंस 75.60 का रहेगा। हमें लगता है कि अगले हफ्ते USD INR 75.30 75.60 के स्तर को छू सकते हैं, तो USD INR में आप अगले हफ्ते के लिए खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। साथ में अगर हम GBP INR की बात करें तो इस हफ्ते भी यहाँ पर हमने एक मेला जुला रुख देखा, हालांकि ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पर GBP करीबन 103.25 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। पाउंड के अंदर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, हमारा व्यू यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि GBP INR में आप खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 102.60 का और रेजिस्टेंस 104.40 का रहेगा। हमें लगता है कि GBP INR में 103 से 104 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आप खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अब एग्री कमोडिटी के बारे में बात करते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी हमारी तीन महत्वपूर्ण पिक रहेंगी। जो हमारी पिछले हफ्ते की तीन महत्वपूर्ण पिक थी उसमें हमने टारगेट अचीव होते हुए देखे, और अगले हफ्ते के लिए जो हमारी तीन महत्वपूर्ण पिक हैं उसमें हमने ग्वार सीड, जीरा और कैस्टर को चुना है। तीनों ही कमोडिटी ने इस हफ्ते काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ग्वार के भाव करीबन ऑलमोस्ट 9% से ज़्यादा की तेजी के साथ 6682 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर हमें लगता है कि अगले हफ्ते 7100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में क्रॉप खराब हुई है उसकी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पर भावों में तेज़ी रहेगी। और साथ में ग्वार गम की जो डिमांड है, एक्सपोर्ट डिमांड है, वो बढ़ती हुई देखने को मिली है, उससे भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। जीरा की अगर बात करें तो जीरा में करीबन हमने 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी आते हुए देखी और जीरा के भाव करीबन 14,700 के आसपास बंद होते हुए देखे गए। जीरा के अंदर घरेलू डिमांड और साथ में एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से मसालों में तेज़ी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी जीरा के अंदर तेज़ी का रुख बना रहेगा और जीरा के भाव ऊपर करीबन 15,200-15,300 के स्तर को छू सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। जीरा में महत्वपूर्ण सपोर्ट 14,200 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन 15,550 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है ग्वार्स, अगर हम कैस्टर सीड की बात करें तो कैस्टर सीड के अंदर हमने एक अच्छी खासी तेज़ी बनते हुए देखी और कैस्टर के भाव ऑलमोस्ट 3.5% से तेज़ी के साथ करीबन 6,440 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट डिमांड का काफ़ी असर रहा, सोइंग कम होने की वजह से यहाँ पर हमने भावों में सपोर्ट आते हुए देखा है। हमें लगता है कैस्टर के भावों में अगेन हम यहाँ पर तेज़ी देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 6,150 का और रेजिस्टेंस करीबन 7,200 का रहेगा। हमें लगता है कि कैस्टर के भाव ऊपर में करीबन 6,800-6,900 के स्तर को छू सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड से काफ़ी खासा यहाँ पर सपोर्ट आ सकता है और आने वाले दिनों में कैस्टर के भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीकली आउटलुक। आशा करते हैं आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे। IIFL के साथ जुड़े रहिए, IIFL के साथ अपना कमोडिटी अकाउंट एक्टिव करें, करेंसी अकाउंट एक्टिव करें और इसी तरीके से प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी लें और अपने पोर्टफोलियो को चमकाते रहें, अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करते रहें। इसी के साथ त्योहारों की खासी शुभकामनाएँ, धन्यवाद।